जयदेव प्रसाद जी, श्री जयशंकर पांडे जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और मेरे सामने मौजूद सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सभी कार्यकर्ता, आज हम सब एक साथ आए हैं नेताजी की जयंती मनाने के लिए। हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी साथ रहेंगे। नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन नेताजी की प्रशंसा करते करते शब्द पर कम पड़ जाएंगे। नेताजी को सबसे प्रिय उनकी समाजवादी पार्टी थी और उनका पूरा समाजवाद परिवार जो आज यहाँ उपस्थित है वो था। नेताजी एक क्रांति थे और ऐसी क्रांति थे कि अब हम सबके जहनों में उस क्रांति की मिसाल सदा जीवित रहेगी। आज हम सबको ये संकल्प और ये प्रण लेके जाना है कि कोई भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को पीछे करके नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। और जो गाना गाया गया कि रोशन नेताजी का नाम अखिलेश करेंगे, तो जितना मैं जानती हूँ नेताजी के बारे में, नेताजी ने आप सब में, आप सब एक एक जन जो आज उपस्थित है, उन सब में अखिलेश जी को ही देखा है। आप सबको अपना परिवार माना है और अपने परिवार से भी बढ़ के और ऊपर रखा है। तो आप सबको उनके विचारों को, उनके इस एहसास को कि महिलाओं को उनका हक, सम्मान और अधिकार मिले, कि पिछड़ी जातियों को, कि दलितों को, सभी भाइयों बहनों को उनका हक, सम्मान, अधिकार मिले, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त इलाज मिले, किसानों को पूर्ण समर्थन मिले, युवाओं को रोजगार मिले, आप सबको उनका नाम रोशन करना है। जिस समाजवादी पार्टी को, जो नेताजी का अस्तित्व था और है और हमेशा रहेगा, उस समाजवादी पार्टी को जिसको नेताजी ने अपने खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा था, हमें आप सबको पूरे समर्थन के साथ और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि ये लड़ाई नेताजी की लड़ाई थी और नेताजी की ये लड़ाई आप सब लोगों के लिए थी, जिससे कि समाज में हम सबको हमारा सम्मान अधिकार मिले। तो इसी संकल्प, इसी प्रण के साथ आज हम सब नेताजी को याद करते हुए यह बात मैं कहना चाहूंगी, अपने विचारों को ये रखना चाहूंगी कि इसी संकल्प और समर्थन के साथ हम सबको नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। देखिए, कोई कह रहा है मुझसे बहू जी के लिए कुछ अच्छी बात कह रहा है, सामने से कोई बुजुर्ग है, ये सब आशीर्वाद देने जा रहे हैं। जो 24 का चुनाव फिर करीब है और आशीर्वाद ऐसा जीजिए 3 लाख नहीं, आपकी जीत 5 लाख ही होनी चाहिए। हमारे बीच में अब वक्त नहीं है तमाम हमारे, मैं तो खुद एक बब्बी से मेरा कलाकार आया था गाने के लिए, मैंने मना कर दिया। अब आप इन सबको सुनना, मेरा गीत था लेकिन वो नहीं, अब केवल आपको वैष्णव को सुनना है। अक्सर हम चार भक्तियां गुनगुनाते जो पक्के समाजवादी हैं कि सबको एक छत के नीचे लाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे, एक नया आसिया बनाएंगे। अब तो दूरी खत्म हो गई यारो, अगली सरकार हम फिर बनाएंगे। अब आप सारा समझ सकते हैं पिछले चुनाव में जिन्होंने हमें, किन शब्दों में उनसे बयां करूं, आज हमारे वो साथ है, पार्टी को नई जान दे रहे हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय माननीय सुभाष सिंह के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आए और अपने प्रचार प्रकट करें।